सोमवार की देर रात करीब 9:15 बजे जब फेसबुक और उसकी सहायक सोशल नेटवर्किंग साइट्स व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ने ग्लोबली काम करना बंद कर दिया तो मानो ऐसा लगा कि दुनिया थम सी गई हो। एक पल के लिए ऐसा लगा कि जिंदगी रुक सी गई है। सबकी जान में जान तब आई जब मंगलवार सुबह करीब 4 बजे फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने काम करना शुरू तो कर दिया, लेकिन एक समस्या ये है कि इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रफ्तार पहले से कम है, यानी स्पीड पर ब्रेक जारी है। तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सर्वर डाउन होने के बाद फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने अपने फेसबुक पोस्ट से यूजर के नाम एक माफीनामा लिखा। उन्होंने लिखा, इस तरह की बाधा के लिए हम यूजर से माफी मांगते हैं। मुझे मालूम है कि यूजर्स किस तरह से हमारी सर्विस के साथ जुड़े हैं, हम आपकी परवाह करते हैं। वही व्हाट्सएप की तरफ से ट्विटर पोस्ट के जरिए कहा गया कि जिन यूजर्स को व्हाट्सएप इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है उनसे हम माफ़ी मांगते हैं। हमारी तरफ से व्हाट्सएप सर्विस को दोबारा से धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है, आपके सहयोग और धैर्य के लिए धन्यवाद। व्हाट्सएप ने कहा कि हम आपके समय समय पर व्हाट्सएप को लेकर अपडेट करते रहेंगे। आपको बता दें कि डाउन डिटेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप सर्विस बंद होने से करीब 40% यूजर्स ऐप को डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, जबकि 30% यूजर्स को मैसेज भेजने में दिक्कत आ रही थी। बता दें कि ये अब तक की सबसे बड़ी आउटेज थी जिसमें दुनिया भर के करीब 10.6 मिलियन रिपोर्ट मिली है। इससे पहले अप्रैल में फेसबुक और इंस्टाग्राम ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे कई घंटे तक दुनिया भर के यूजर्स प्रभावित रहे थे। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें NBC हिंदी।